मध्य प्रदेश में बाढ़ का पानी प्रलय ढाने को है। रीवा से बाढ़ की जो भयानक तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। यहां 7 लोग बाढ़ में जा फंसे और बाढ़ के आगे रेस्क्यू ऑपरेशन तक बेदम दिख रहा था, फिर कैसे जिंदगी लहरों से जीती ये रिपोर्ट देखिए। बर्बादी की बाढ़ से जिंदगी का संघर्ष चढ़ा है, तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। मंझधार में अटकी 7 जिंदगी मौत से सीधे सीधे मुकाबला कर रही है। एक तरफ 2 जिंदगियां तेज लहरों से लोहा ले रही हैं, तो दूसरी तरफ 5 बेबस लोग एक पेड़ के सहारे जान बचाने की जुगत में हैं। सैलाब पेड़ को उखाड़ फेंकने को बेताब है, उधर 5 लोग पेड़ से चिपके हैं। इनकी एक छोटी सी गलती इनकी तकदीर में मौत की इबारत लिख सकती है। करीब 10 घंटे बाद मदद के लिए हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा। काफी देर तक हेलीकॉप्टर पेड़ के ऊपर मंडराता रहा, इसके बाद रस्सी के सहारे एक जावाज नीचे उतरने लगा। हेलीकॉप्टर को देखकर पेड़ से चिपके मछुआरों की जान में जान आ गई, लेकिन हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। पानी में बहाव ज्यादा है, नाव रुक नहीं रही है, 140 के हिसाब से जा रही है, पानी जो जा रहा है धारा, नाव वहाँ पे रुक नहीं रही है। अब बड़े बड़े फुटते हैं, 2 बार 3 बार लड़ गए नाव में, तो इसलिए जाम में जान जोखिम में क्यों डाला जाए, दर्द तो नहीं रहे हैं। उनके पेड़ के पास राउंड लेके 3 बार गए हम। हेलीकॉप्टर की मदद से 3 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग तेज धार में फंस गए और पानी में बहने लगे। हालांकि बाद में ये किनारे लग गए। आखिरकार 7 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जिसने भी ये मंजर देखा दहल गया। हम लोग आए थे सर जामुन खाने, तो कुछ लोग लकड़ी लिए, हम जामुन खाए, फिर जब चलने लगे 4 बजे के समय पे नदी आ गई बाढ़ में, तो हमने बोला पैर चलो, तो 2 लोग बोले कि तैरने नहीं आता, तो बोला कि ठीक नहीं आता है तो चलो सूखे जगह निकल चले। इतने में बाहर भी किसी ने दोनों पार बराबर कर ली, डीपा देखे झाड़ का, तो बोला चलो इसमें चढ़ चलते हैं, उसमें हम लोग चढ़ गए। अब चढ़ गए तो रातों रात नदी आना चालू कर दी, अभी तो और ज्यादा आ गई। दरअसल बाढ़ में 7 जिंदगियों के संघर्ष की तस्वीरें रीवा के टोंस पावर प्लांट एरिया की है, जहां बुधवार देर रात ये लोग लहरों के बीच में जा फंसे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।